इससे क्या हो गया अचानक? यार सामान यहाँ किसने रख दिया? मैंने। ऐश, ये रुपीस रखो और गेट आउट हो जा। मतलब? मीनिंग आद्या को जैक की लाइफ से गेट आउट करने के लिए मैं तुमको यहाँ लेकर आई। आद्या गौर, ऐश्वर्या गौर। लेकिन आंटी, मैं जैक को पसंद करती हूँ। कम ऑन ऐश, मेरी जैक की लाइफ में वन एंड ओनली वही होगी जिसे मैं चूज करूंगी। नो आंटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छे, देखिए आंटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं जय को सब कुछ बता दूंगी। करना, टेल कर, जय को टेल कर, पूरी दुनिया को टेल कर, मेरा एक आंसू तेरे 1000 कंप्लेंट्स पे हिली पड़ेगा और फिर जय मेरी मुट्ठी में, तेरा क्या होगा? ऐश, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि कोई रिच बॉय तो क्या, कोई बेगर भी तेरी तरफ पलट कर नहीं देखेगा। सो हैप्पी हैप्पी गेट आउट हो जा। पर आंटी, आंटी मेरी बात तो सुनिए आंटी, आंटी। ये तो रूपा मित्तल की पुरानी आदत है। वो कहते हैं ना, यूज एंड थ्रो, मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। तुम सम्राट हो ना? और तुम ऐश्वर्या, जैकी एक्स, जो उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती। जय तुम्हारी चाहत और आध्या मेरी जिद। आई एक्चुअली हैव अ डील, मैं तुम्हें जय दिलाता हूं और तुम मुझे आध्या। सोच लो, डील अच्छी है। डील। आध्या और मेरे बीच जो आएगा खत्म हो जाएगा और अब बारी है जय और शुभांकर की। ऐसा खेल रचाए कि एक तीर से दो निशाने होंगे। सो जस्ट टेक केयर आध्या, भगवान तुम्हें मेरी दी तकलीफों से लड़ने की शक्ति दे। तुम क्यों नहीं लग रहा दिया? क्या हुआ? आदो दी देखो ना, पापा दोपहर के निकले हुए हैं, अभी तक नहीं आए। क्या दिया, मैंने कहा था ना पापा के साथ रहना। क्यों जो? जो मुझे फोन करने दी। नहीं लग रहा है उनका कॉल। दिया तू यहीं रुक, मैं पापा को देख के आती हूँ। पापा का मैसेज। क्या बोल रहे पापा? पापा जय के साथ क्या कर रहे हैं? आज के बाद अगर तुमने मुझ पे उंगली नहीं उठाई ना, तो देखना क्या हाल करूंगा तुम्हारा। पापा,
भगवान, मुझे इतनी बड़ी धमकी दी थी, कहीं वो पापा के साथ कुछ गलत ना कर दे। पापा को फोन करती हूँ। अभी तो पापा के फोन से मैसेज आया था, अब फोन ही नहीं लग रहा है। फोन करूं या नहीं? दो दिन से तो मेरी इतनी इंसल्ट की और अब रात को 9 बजे फोन कर रही है। मुझे नहीं करनी इससे कोई बात। चे फोन क्यों नहीं उठा रहा? चे पापा का है, मुझे अभी उनसे बात करनी है। दिया, पापा को फोन ट्राई करती रहे जल्दी। अरे मुझे क्या पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं, होंगे कहीं, और तुम उन्हें फोन करो ना, मुझे क्यों इरिटेट कर रही हो तुम? जय के साथ है, जय कह रहा है कि ये सब हो क्या रहा है? ये तो पापा और जय की अभी की फोटो है। जय मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? रिया तू यही रुक, मैं पापा को देख के आऊं। लेकिन नादू जी, बस अभी आ रही हूँ। मेरे पापा कहाँ हैं जय? ये पूछने के लिए तुमने मुझे घर से बाहर बुलाया था। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। कॉलर छोड़ो मेरा। मैंने पूछा मेरे पापा कहाँ? आद्या मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ो। मैं कुछ पूछ रही हूँ जय। मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ो वरना। वरना क्या जय? मुझे भी मेरे पापा की तरह गायब कर दोगे तुम? How dare me? है? इधर आओ तुम। How dare me? हाँ? ये सोचते हो तुम मेरे बारे में कि तुम्हारे साथ होने वाली हर गलत चीज की वजह मैं हूं? I swear, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है जय। अगर तुमने सच में मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड माना होता ना जय, तो आज ये घटिया हरकत। अरे क्या घटिया हरकत कर लिया मैंने? क्या घड़ी हरकत के बताओ? हाँ दिखाओ। ये देखो। हाँ दिखाओ इधर। ये फोटो और ये मैसेज, ये पापा ने मेरा है मुझे, जिसमें साफ पता लग रहा है कि पापा तुम्हारे साथ है। कहाँ है पापा? आद्या ये आज की फोटो नहीं है, ये मॉर्फ फोटो है। तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं अंकल से एक्सीडेंट के बाद नहीं मिला हूँ, यकीन मानो यार मेरा। यकीन करूं मैं तुम्हारा? कब तक तुम मुझे अपनी झूठी कहानियां सुना सुना के यकीन कराते रहोगे? और प्लीज एक बात बताओ मुझे, दुनिया की सारी गड़बड़ तुम्हारे साथ क्यों होती है? फोटो मॉर्फिंग, अकाउंट हैकिंग, नकली स्लोगन, नकली मैसेजेस, इन सब में हमेशा तुम ही क्यों फंसते हो? हर चीज तुम्हारे नाम से होती है, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया होता। सभी होता है जय। अब क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोलने का तो होगा नहीं। अब I have no idea, और मुझे तुम्हें कोई सफाई भी नहीं देनी है, क्योंकि मुझे पता तुम मानोगी तो हो नहीं। तो मैं कुछ भी बोल के तुम्हारा और अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास, तो जाओ ढूंढो अपने पापा को, जाओ जाओ टाइम यूटिलाइज करो, जाओ, क्योंकि यहां नहीं है वो। जाओ। जा रही हूं मैं FIR करने। हां तो जाओ। और अगर जय मुझे पता चला इसमें कहीं भी तुम्हारा नाम है तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, याद रख।
यकीन नहीं होता मैंने इसे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, जिसके लिए हर गलती का जिम्मेदार मैं हूँ।